और अभी आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका। गर्मी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से कराची के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लियाकताबाद, लियारी, फेडरल बी एरिया, गुलिस्ताने जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, किमाड़ी, गुलशन इकबाल समेत शहर के दीगर हिस्सों में के इलेक्ट्रिक की जानब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक की जानब से शहर में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 2 से 3 बार 1-1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि नॉर्थ कराची, गुलिस्ताने जौहर, लियाकताबाद और किमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बिजली की फराहमी मौतल रही। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता रोज मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का भी दावा किया था। बड़ी औरतें किसको कैंसिल आए, ये वो भी तड़प रहे हैं, ये सारा दिन ये ऐसा है। 1 घंटा आती है तो फिर जाती है, 1 घंटा आती है तो फिर जाती है। न पानी मिलता है, न लाइट मिलती है। वैसे भी हमारे बच्चे सब बेरोजगार बैठे हैं, लॉकडाउन में सबका धंधा भी बंद है। हम गरीब माइग्र है, हम क्या करें? हमारी हुकूमत तो कोई मदद नहीं करती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड के जाम शोरो ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बायस कराची की बिजली भी मुतासर हुई थी। तहम कराची को नेशनल ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल है। उन्होंने कहा है कि कराची को अब 650 मेगावाट बिजली मिल रही है। दूसरी जानब जाम शोरों में 500 केवी ग्रिड स्टेशन के यार्ड में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मुताबिक 500 केवी जाम शोरो ग्रिड स्टेशन के 132 केवी स्विच यार्ड में आग लगी और आग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगी है, जिस पर काबू पा लिया गया है।